रहिए उससे नहीं मतलब आप फिर बहुत नहीं नहीं अरे तो आप कह रहे हैं कि घर घर लेकर मोबाइल देख रहे हैं आप हमसे लेना क्या चाहते हैं आप तो ये बताइए लेना ही नहीं चाहते अच्छा मत दीजिए हम आपके पास लेने भी नहीं आए हैं ये बताइए इस बात कि करीब कै साल के होंगे लगभग होता होगा 75 साल 85 साल इनका हमारा तो उम्र है 40 साल हम पप्पू है खींचो बेटा कोई गम नहीं है अच्छा चलिए पप्पू चलिए ये बता दीजिए 45 साल की उम्र में कई सरकार आई और कई सरकार गई आपने देखा होगा देखा है आपने अच्छा ये बताइए कि जब आप 25 साल के थे तो उस समय बैलगाड़ी चलता था चलता नहीं था बादल गरजती था या बिजली तड़पता थी मत कहो बैलगाड़ी चलती थी चलती चलता थी। था नहीं बता अच्छा लगता है कि आप शिक्षा खिंचक रहे हैं भैया इसलिए शिक्षा वाले हमको जब 5 ही तक पढ़े तो शिक्षा का हाल इसलिए मोबाइल भी रखना भूल गए अच्छा ये बता दिए चलिए हम आपसे ये पूछने आए हैं इस बार दादाजी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ मतलब क्या चल रहा है सपोर्ट कर रहा है मामला क्या चल रहा है अच्छा ये बताइए इस पर किसान लोग किसको वोट करने वाले किसान लोग अरे मोदी जी तो माफ़ी मांगे आप लोग के पास कि भैया माफ़ कर दो आज के बाद नहीं करेंगे मान लीजिए कि आपको थाली में परोस के खाना परोस दूँ ऊपर की दो झापड़ मार के भगा दूँ तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा अच्छा ये बता दीजिए अच्छा एक दो झापड़ आपको मार के भेज दिए यही बात है अच्छा ये बताइए 45 साल के पप्पू जी बात हम उसकी नहीं कर रहे हैं बात हम उसकी कर रहे हैं आप बोलिए बोलिए आप अपने आप किसान हैं किसानों के लिए जमानिया विधानसभा में पिछले 5 सालों में क्या कभी सोचे थे कि ऐसा होगा कभी आप सोचे थे मतलब सपना अपना देख ले रहा था कि ना सपने में नहीं संकेत ये बता जब आप जब उस समय संकेत भी अगर आपको मिला होगा कम से कम जब